नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों को लाभ पहुंचाने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजकों ने बताया कि केंद्र सरकार एवं सामाजिक न्याय विभाग मंत्री के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूरे भारत देश के अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को सहायता राशि 5 गुना बढ़ाकर दी जाएगी एवं मंत्रिमंडल में 59,534 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी, जहां यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी एवं इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी एवं मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया है, ताकि निगरानी एवं पारदर्शिता के बीच समय सीमा में भुगतान किया जा सके। वही यह स्कीम सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता बिना विलंब के समय बद सुनिश्चित हो सके। वही आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के समस्त पदाधिकारियों सहित पत्रकार गण उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जिले के उपाध्यक्ष भास्कर सिंह जी और आईटीएसएल के प्रदेश संयोजक विष्णु भारती जी, नरेंद्र गिरी जी और नीरज जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता पत्रकार बंधु, संक्षिप्त सूचना पर आप सबने समय दिया, आप सबका स्नेह मिला। मैं 9 वर्ष पुनः एक बार सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। इस प्रेस वार्ता को हमारे संबोधित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिलाध्यक्ष भाई दिलीप पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा जी और अनुसूचित जनजात मोर्चे के जिलाध्यक्ष रामाधार चौधरी जी और उमरिया नगर मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र कोल जी और आईटी सेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कृष्ण भारती जी। कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित रहो, जो उनका मूल सपना था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा ये सपना देखा करते कि हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी को जो भी है सभी के लिए वो काम किए, शिक्षित रहे। शिक्षित बनने का सपना अगर किसी उनके सपने को चरितार्थ किया है, वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जहां जहां से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गुजरे, वो जगह तीर्थ यात्रा में घोषित कर दिए, चाहे वो दादर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो इंग्लैंड का लंदन हो, तमाम जगह ऐसी जो उनकी जगह जहां पे गए हैं, चाहे वो महू, तो मध्य प्रदेश की सरकार भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास को लेकर वो काम कर रही है। किसी जमाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनके लिए एक विशेष 59,000 आपके पास भी होगा 59,048 करोड़ रुपए कुल निवेश की अनुमोदन। आजादी के बाद ये बहुत बड़ा, इतना सारा स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है आजाद देश के बाद। इसके पहले कितनी भी कांग्रेस की सरकार थी, उसने हमारे एससी वर्ग के लिए किसी भी तरीके से कोई अच्छा फैसला नहीं ली, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम अपने उमरिया की धरती से, मध्य प्रदेश की धरती से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उसके लिए हम कोटि कोटि प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग का कार्यकर्ता आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। जो हमने कभी सोचा नहीं था कि जो बच्चे पढ़ लिख कर 10वीं पढ़कर छोड़ दिए हैं, उनको आप फिर से पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, शिक्षित बनो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिक्षा उसको संपूर्ण कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लाल सिंगार जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री सूरज खेरो जी और उनके साथ में जो हमारे केंद्रीय मंत्री थावर चंद जी गहलोत हैं, उन सबको भी मैं यहाँ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और कहता हूँ कि जिस तरीके सबका साथ सबका विकास है, आगे भी हम सबके लिए ऐसे ही नई नई योजना लाएंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधित किया है। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये था कि जो भारत सरकार हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एससी समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे हैं, जो भारतवर्ष में कई
1.30 करोड़ के आसपास बच्चे हुए जो शाला से वंचित हो गए हैं या बाहर हो गए हैं, उनको लेकर के हमारे केंद्र के जो मंत्री हैं थावरचंद गहलोत जी, सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उन्होंने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन बच्चों के उत्थान के लिए जो पिछले 2016-17 में 11 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी उनके उत्थान के लिए, उसको 5 गुना बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। और ये राशि बढ़ने से निश्चित रूप से पूरे देश भर के बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को आगे बढ़ने में, शिक्षा बढ़ने में लाभ मिलेगा। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता आज की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे परमाता जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, एक ऐतिहासिक फैसला है। और इस फैसले से मध्य प्रदेश ही नहीं आप पूरे भारत देश के SC बालक बालिका जो प्रभावित हुए हैं, जो कि प्रतिवर्ष 600 करोड़ की राशि दी जाती थी उसे बढ़ा करके 11,000 करोड़ दिया गया है। इससे निश्चित है कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रहती थी कि अंतिम छोर में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक भला हो सके, वही एक सोच को रख करके यह फैसला ऐतिहासिक लिया गया है। इससे मैं जिला भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है जिसमें 60% की भागीदारी केंद्र सरकार की रहेगी और 40% की भागीदारी राज्य सरकारों की रहेगी, जिसके तहत जो SC समाज के छात्र छात्राएं हैं उनको हम कैसे शैक्षणिक रूप से सशक्त बना सकें, उसी परिप्रेक्ष्य में ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जिसमें व्यापक पारदर्शिता का इस्तेमाल है, जिसके तहत उन्हें प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति सीधे उनके खातों में जाएगी और उस राशि का वो अपने पढ़ाई में उपयोग करते हुए भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अपना अपना योगदान दे सकें, जिसको लेकर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी।